ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने 5 मई को दोहा में वाटर डायमंड लीग का खिताब अपने नाम कर लिया। दोहा के कतर स्पोर्ट्स क्लब में हुई प्रतियोगिता में नीरज ने पहले ही प्रयास में 88.67 मीटर दूर भाला फेंका। नीरज का यह पहला थ्रो प्रतियोगिता का सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा। टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले चेक खिलाड़ी जैकब बडलेज दूसरे स्थान पर रहे। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स तीसरे स्थान पर रहे। पिछले साल के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एंडरसन पीटर्स ने ही नीरज चोपड़ा को हराकर गोल्ड जीता था। दोहा में हुआ यह इवेंट डायमंड लीग सीरीज का पहला चरण है, जिसका समापन 16 और 17 सितंबर को यूजीन में डायमंड लीग फाइनल के साथ होगा। दोहा डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा के प्रदर्शन पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला प्रयास 88.67 मीटर, दूसरा प्रयास 86.04 मीटर, तीसरा प्रयास 85.47 मीटर, चौथा प्रयास फाउल, पांचवा प्रयास 84.37 मीटर, छठा प्रयास 86.52 मीटर। नीरज चोपड़ा के ये खिताब जीतते ही लोगों ने बधाई देने लगे। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने नीरज चोपड़ा को बधाई देते हुए ट्वीट किया, नीरज चोपड़ा जीते 88.67 मीटर के जोरदार थ्रो के साथ। उन्होंने दोहा डायमंड लीग में अपना दबदबा बनाया, एक सच्चा चैंपियन जिसने देश को फिर से गौरवान्वित किया है। नीरज को इस शानदार जीत के लिए बधाई। विशाल सोनी नाम के यूजर ने लिखा, ये आदमी कंसिस्टेंसी का आदर्श उदाहरण है, कैसे नाम और लोकप्रियता से ध्यान नहीं भटकने देता। रोहित नाम के एक यूजर ने लिखा, अभी भी वो अपने थ्रो से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, जो ये दिखाता है कि उनका मकसद और बड़ी चुनौती हासिल करना है। उम्मीद है कि उन्हें जल्द कामयाबी मिले और भारत से पूरी दुनिया में दर्जा बढ़ाएं। एक दूसरे यूजर ने लिखा, सिर्फ 90 मीटर मार्क नीरज चोपड़ा को असल खुशी देगा। दरअसल दोहा की प्रतियोगिता में अपने पहले थ्रो से नीरज संतुष्ट नहीं दिख रहे थे। नीरज का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 98.94 मीटर है, जो नेशनल रिकॉर्ड भी है। नीरज चोपड़ा का लक्ष्य 90 मीटर की दूरी को छूना है। अब नीरज के इस प्रदर्शन पर आपकी क्या राय है, ये बताने के लिए हमारा कॉमेंट बॉक्स खुला है। अपनी राय जरूर शेयर करिएगा। खबर लिखी थी मेरे साथी सुरभि ने, मेरा नाम है सोनल। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।